संसद का क्या नुकसान हो रहा था, संसद परिसर का क्या नुकसान हो रहा था। जो मूर्ति हटाने की थी वो केवल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति हटाने की, केवल। लेकिन उन्हें मालूम है कि अगर ये हटाएंगे तो हम पे एक पक्षीय होने का आरोप लगेगा। ये सौंदर्यकरण जो है संसद परिसर का होना है, उसकी वजह से हटाएगा। इन मूर्तियों से किस सौंदर्य में कमी हो रही थी, उस एकता जो बनती जा रही थी, उस मजबूती आती जा रही थी समाज में, उस एकता को नष्ट करने के लिए, तोड़ने के लिए घिनौनी साजिश की गई। संसद में वो वहां मूर्ति होगी नहीं, न श्रद्धांजलि होगी, न वहां मेला लगेगा। सो वो घिनौनी मानसिकता है बीजेपी की और विशेषकर प्रधानमंत्री मोदी की। ये कई तरह की घिनौनी साजिशें चाल रहती हैं। वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं, होता कुछ है, सोचते कुछ हैं। सो उनकी कथनी और करनी में, विचारों में जमीन आसमान का अंतर है। विशेषकर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के जो एमपी बैठे हैं, उनकी तो जिम्मेदारी, उनकी तो ड्यूटी है, वो तो केवल और केवल रिजर्वेशन के आधार पर बैठे हैं। 131 एमपी हैं लोकसभा में एससी और एससी के, एक को भी ये ध्यान नहीं या पता नहीं या एक ने भी ये आवाज नहीं उठाई। बाबा साहब की जो प्रतिमा संसद परिसर में थी वो उसी स्थान पर लगानी पड़ेगी जहां वो स्थापित थी। पार्लियामेंट में से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति और उसके साथ दो तीन और मूर्तियां जो हैं वो हटाई गई थी, जिसके बाद जो बहुजन समाज है वो एक बड़ा आंदोलन 9 अगस्त को करने जा रहा है। दरअसल क्या कुछ होगा, क्योंकि कहा यह जाता है जो 88% लोग हैं उनसे अगर उनका भय नहीं है, वो वोट देते हैं, उनका असर नहीं है, तो क्या आंदोलन से ही चीज़ें होंगी। इस तमाम चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट भानु प्रताप जी, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। थैंक यू भानु जी। जिस तरह से पार्लियामेंट से भीमराव अम्बेडकर साहब की मूर्ति हटाई गई और एक दो मूर्तियां हटाई गई, अब मांग करी जा रही है कि दोबारा मूर्ति वहीं पे स्थापित की जाए, वरना 9 अगस्त को एक प्रचंड जो है आंदोलन करने की बात कही जा रही है, क्या लगता है देश के जो नेता हैं, जो इस तरह के डिसीजन मेकर्स हैं, उनके अंदर भय नहीं है कि 88% लोग हैं? देखिए, केवल भय की बात नहीं है, वो ये समझे बैठे हैं कि उनका कोई कुछ नहीं कर सकता, उनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठ सकती, और जो वो मन में है उनके, जो चाहेंगे वो कर लेंगे। लेकिन ये उनकी गलतफहमी है। जो प्रतिमा हटाई गई है, वो प्रतिमाएं हटाना कोई साधारण बात नहीं है। सरकार ये बताए या संसदीय सचिव जो हैं, जिनका भी ये काम है, वो ये बताएं आखिर उस प्रतिमा को या वो जो और चार और प्रतिमाएं, उनको हटाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्या उनसे दिक्कत थी, संसद में संसद का क्या नुकसान हो रहा था, संसद परिसर का क्या नुकसान हो रहा था उस प्रतिमा को हटाने से? कुछ नुकसान नहीं। लेकिन जिस मानसिकता के तहत हटाई गई है वो एक अलग चीज। असल में उनकी नियत जो मूर्ति हटाने की थी वो केवल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति हटाने की, केवल। लेकिन उन्हें मालूम है कि अगर ये हटाएंगे तो हम पे एक पक्षीय होने का आरोप लगेगा, ठीक है, इसलिए उन्होंने बाबा साहब की मूर्ति के साथ साथ में और भी सारी मूर्तियां हटा दी, जिनमें महात्मा गांधी जी की मूर्ति, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी की मूर्ति, साहू जी उसमें बिरसा मुंडा जी की मूर्ति और छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति, वो भी हटा दी। और हटाकर कहाँ रखा है, हटाकर जो गुरुद्वारा रकाबगंज की तरफ को है क्षेत्र, जो वहां सबको एक साथ रख दिया गया है, और कहा गया है कि ये सौंदर्यकरण जो है संसद परिसर का होना है, उसकी वजह से हटाएगा। इन मूर्तियों से किस सौंदर्य में कमी हो रही थी, बल्कि संसद की खूबसूरती, उसका सौंदर्यकरण इन्हीं मूर्तियों की वजह से कहीं ज्यादा था। नियत कुछ और है। नियत क्या है, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जन्मदिन 14 अप्रैल पर और उनके महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर को, वहां पर लाखों की संख्या में लोग श्रद्धांजलि देने आते थे, और 14 अप्रैल को जो संसद भवन में परिसर में जो वो मूर्ति लगी है उसको श्रद्धांजलि देने के बाद लोग बाहर आते थे, और संसद मार्ग पर एक बड़ा जबरदस्त मेला लगता था, दिन प्रतिदिन वो मेला बढ़ता चला जा रहा था, और उस मेले में दिल्ली, एनसीआर, आसपास के राज्यों के
लोग आते थे और उसकी चर्चा पूरे देश में दुनिया में होती थी। उसके माध्यम से समाज का जो आपस में इंटरेक्शन होता था, तालमेल होता था, जो बातचीत होती थी, परिचय होता था और लोग उस एकता जो बनती जा रही थी, उस मजबूती आती जा रही थी समाज में, उस एकता को नष्ट करने के लिए, तोड़ने के लिए घिनौनी साजिश की गई। ऐसा क्यों लगता है? वो परिसर ने, अब वो संसद में वो वहां मूर्ति होगी नहीं, ना श्रद्धांजलि होगी, ना वहां मेला लगेगा। सो वो घिनौनी मानसिकता है। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि वो हटाई कब है। हकीकत में जिस समय सरकार नाम की कोई चीज नहीं थी, जिस समय चुनाव हो रहे थे और चुनाव के दौरान भी, किस समय 4 जून को वोटों की गिनती होनी थी 2024 के लोकसभा चुनाव की, और उससे एक दिन पहले ही यानी 3 जून की रात को ही वो वहां से मूर्तियां हटा दी गई। और हम लोगों को पता नहीं था, नहीं तो उसी समय हंगामा होता। वो बाद में पता लगी जब मूर्ति हट गई। और जैसा लोगों ने बताया कि काफी मात्रा में जो है संसद के चारों तरफ जो है पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस लगा रखी हैं, तो हमें इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये, इसलिए हम तो ये सोच रहे क्योंकि कल चुनाव होना, उसकी वजह से प्रिकॉशनरी जो है ये सारी चीजें कर रखी। लेकिन जहां एक तरफ सर संविधान की बात कही जा रही है, बाबा भीमराव अम्बेडकर का नाम लिया जा रहा है, वोटर्स को अपने पास डाइवर्ट किया जा रहा है, और इस तरह का कृत्य, इसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं देखिए, बीजेपी की और विशेषकर प्रधानमंत्री मोदी की ये कई तरह की घिनौनी साजिशें चाल रहती हैं। वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं, होता कुछ है, सोचते कुछ हैं। सो उनकी कथनी और करनी में, विचारों में जमीन आसमान का अंतर है। और जो वो कहते हैं वो करते नहीं हैं, और जो वो करते हैं उसका पता बहुत देर में लगता है। ये उनकी जो फितरत है, मोदी की ये फितरत है। तो तमाम सर, जैसे कि देखा जा रहा है पार्लियामेंट के अंदर भी चंद्रशेखर का एक बड़ा नाम है भाई, कि तमाम बाबा साहेब का जो नाम लेके वो अपना नेतृत्व कर रहे हैं, लोगों के अंदर उतरे हुए हैं। इस चीज के अंदर क्या राजनीतिक कोई दल भी है जो सपोर्ट कर रहे हैं, या कोई सांसद कोई नेता है जो सपोर्ट करने जा रहे हैं? देखिए, अभी तक कोई सपोर्ट नहीं किया किसी ने भी, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि जिस समय इन लोगों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का इन्हें समय मिला, इन सबको एक सेंटेंस में ये कहना चाहिए था कि बाबा साहब की प्रतिमा क्यों हटाई गई, उसको वहीं स्थापित करो जहां पहले थी। क्योंकि जितने भी बैठे हैं संसद में, विशेषकर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के जो MP बैठे हैं, उनकी तो जिम्मेदारी, उनकी तो ड्यूटी है, वो तो केवल और केवल रिजर्वेशन के आधार पर बैठे हैं। वो रिजर्वेशन जो बाबा साहब की बदौलत मिला, बाबा साहब की बदौलत उन्हें ये सम्मान मिला, ये स्थिति मिली, उन्हें तो उसी समय ये बात उठानी चाहिए थी। पर दुर्भाग्य और बहुत ही दुख की बात है, एक व्यक्ति ने भी, 131 MP हैं लोकसभा में SC और ST के, एक को भी ये ध्यान नहीं या पता नहीं, या एक ने भी ये आवाज नहीं उठाई। अब रही दूसरी बात, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी अधिक से अधिक MPओं से मिल सके, भिन्न भिन्न पार्टियों के उनसे मिल सके, उन सबसे ये बात कहें कि जिस दिन 9 अगस्त को 2024 को सुबह 10 बजे जंतर मंतर पर हमारा प्रदर्शन हो पार्लियामेंट में, ये मुद्दा सभी MP मिलकर उठाएं। अगर वो नहीं उठाते हैं तो हम उनके खिलाफ भी आंदोलन करने में कसर नहीं छोड़ेंगे। ये बात पक्की मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, सरकार ने जो किया है बहुत घिनौना, बहुत गंदा काम किया है, लेकिन सरकार को बाबा साहब की जो प्रतिमा संसद परिसर में थी वो उसी स्थान पर लगानी पड़ेगी जहां वो स्थापित थी। हम किसी भी कीमत पर इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। आखिरी सवाल भानु जी ये लूंगा आपसे कि आपको लगता है कि जो SC ST OBC के तमाम जो लोग हैं, जो सांसद हैं, मंत्री, क्या बात कर रहे हैं आप बताओ ना, बाबा साहब की बात या संविधान की बात में लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, कौन सी बात कर रहे हैं? तो मैं तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, अगर वो लोग जिम्मेदारी निभा रहे होते देश का जो पिछले 10 साल में हाल हुआ है, हाल नहीं होता देश, कम से कम बोलते तो सही। 150 सांसदों को बाहर निकाल दिया गया सड़क पर, लड़ने नहीं, जबकि उन्हें लड़ना चाहिए था, सड़क में संघर्ष करना चाहिए था, आपने देखा, तो ऐसा कहीं भी नहीं है। और विशेषकर ये बात मैं SC ST के जो सांसद हैं उनके विषय में तो कह सकता हूँ, कोई आवाज नहीं उठाना, उन्हें उठानी चाहिए। आपने अभी जो बातचीत सुनी, सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता जिस तरह से कॉल दिया गया है 9 अगस्त को एक प्रचंड
जो है आंदोलन किया जाएगा, जो पार्लियामेंट से बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति और अन्य मूर्तियां होती हैं उसको लेके कहीं ना कहीं तमाम लोगों का कहना है। इसके पीछे का कारण ये देख रहे हैं कि 14 साल के अंदर तो ऐसी स्थितियां थी जहाँ पे हजारों आदमी जाता था और श्रद्धांजलि अर्पित करता था, अब वो वहां नहीं कर पाएगा और उसके चलते तमाम जो पार्लियामेंट है उसके बाहर जो सड़क है उसपे एक असर चलता था जिसका पैगाम जिसका मैसेज तमाम देश ही नहीं विदेश में था। अब क्या जो मंत्री एमपी सांसद एससीएसटी के बने बैठे हैं जो संख्या एक बड़ी बताई जा रही है, क्या इस आंदोलन को सपोर्ट करेंगे? ये 9 अगस्त